further talking about plagiarism and unfair use. plagiarism, the act of passing the work of someone else off as your own, and is especially condemned in most of the ethics code. plagiarism can range from careless paraphrasing, which is very common in these days, especially it is very common by most of the students to do paraphrasing, to intentional copying of the chunks or even the entire work without citing the original source. let me first talk about the paraphrasing these days. Uh, they are the certain uh, softwares which helps you in doing paraphrasing. So, originally, these softwares are not designed to do the work in terms of plagiarism. They are for other purposes. They can many students who avoid plagiarism, they already have content already, unko paraphrasing paraphrasing in tools and they report their research work. Mein report kar dete but that is very easily identifiable by the supervisor. क्योंकि वो कंटेंट uh, जो है वो पैराफ्रेज करता है सिर्फ वर्ड्स के सिन हम डाल देता है लेकिन वो उनकी रेलिवेंसी को नहीं देखता जिसकी वजह से आप एक सेंटेंस को अगर पूरा पढ़ते हैं तो इट कैन ईजिली गिव यू एन आइडिया दैट दिस वर्क हैज़ बीन पैराफ्रेज एंड इट डायरेक्टली कम्स इन द एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म इसके अलावा बाजुकात कुछ लोग इंटेंशनल uh, कुछ चंक्स को कॉपी कर लेते हैं uh, सारा काम प्लेजराइज नहीं होता लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो उसमें उन्होंने चंक्स लेके कॉपी किए होते हैं या फिर ये कि बाज़ुका पूरे का पूरा काम जो है वो भी uh, प्लेजराइज होता है एंड कुड बी द डिफरेंट वेज डिस्कस फर्दर इफ द द इज एक्सटेंसिव और इफ ओरिजिनल ऑथर इज इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस इशूज कुट इनफ्रिंचमेंट स्टेचूज क्योंकि अगर आपने किसी का पूरा काम जो है वो कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश कर लिया और उसका किसी और इंडिविजुअल को इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हुआ अकॉर्डिंग टू द स्टैचूज उसको बहुत बड़ा जो है वो एक फाइनेंशियल हरजाना देना पड़ सकता है उसको बहुत ज्यादा माली नुकसान उठाना पड़ सकता है इस वजह से इस किस्म के जो केसेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टू हैंडल होते हैं सम यंगर प्रोफेल्स मेंिस द सीरियसनेस ऑफ प्लेजरिज्म अक्सर जो यंग लोग होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं याग स्कॉलर्स होते हैं डे डोंट नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू अवॉइड यूर सर फ्राम प्लेज बिकॉज एज स्टूडेंट डे एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्राम द इंटरनेट एंड दे ऑफ ऑन पास ऑन मेटीरियल बेसिकली अनऑल्टर्ड एज पार्ट ऑफ देयर असाइनमेंट जैसे असाइनमेंट्स में तो स्टूडेंट्स जनरली जब तक कोई स्ट्रिक रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इसके ऊपर प्लेजरिज्म रन किया जाएगा वो अपनी असाइनमेंट को इंटरनेट की सोर्सेज से बनाते और उसके बाद वो उसको प्रोड्यूस कर देते हैं लेकिन जब उन्हें सॉफ्टवेयर में डाला जाता है तो देट कैन ईजिली भी डिटर्मिन कितने परसेंट इंटरनेट सोर्सेज हैं कितने परसेंट जो हैं वो बुक्स हैं कितनी आपने रेपोजिटरी में से मेटीरियल को कॉपी किया है एंड थिंग्स लाइक दैट

अर्जेंटीनियन स्कॉलर्स अपियरिंग इन स्पेनिश जर्नल्स। अब बहुत आसान है कि आप किसी और लैंग्वेज में जो आप पब्लिश हुए हुए रिसर्च जर्नल्स हैं इन ईफ यू नो ऑफ दैट लैंग्वेज एज वेल वहाँ से मटेरियल को लो और उसको अपनी जबान में ट्रांसलेट करो और उसको पब्लिश कर दो दैट ऑज बींग डन बाय डॉक्टर रॉब उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसको अपने नाम से जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल्स के अंदर पब्लिश करना शुरू कर दिया अब कुछ लोग तो ये कहेंगे डॉक्टर बैगिट ने क्या गलत किया उन्होंने एक रिसर्च जो थी उसको आ, दूसरे लोगों के लिए ओपन कर दिया कि वो लोग जो स्पेनिश नहीं पढ़ सकते वो इंग्लिश में उसको पढ़ रहे हैं और वो आराम से उसको एक्सेस कर रहे हैं बट ही ओनली मतलब क्लेम तो यही होगा कि उसने उस रिसर्च को डुप्लीकेट किया बट इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट दिस इज़ समथिंग वेरी क्रिमिनल दिस इज वेरी ऑफेंसिव बिकॉज Uh, the actual person, Dr. Begit, gained employment and he won many promotions based on his bogus publication record, thus giving him an undeserved advantage on other people. Like, you not uh, dissemination of information, ke liye logon ko, uh, wo jo content, but on the basis of those publications, that specific person got many promotions. और ज़ाहरी बात है कि जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं आप इंसेंटिवाइज होते हैं आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन का मौका मिलता है तो वो सारा कुछ जो है वो प्लेजरिज्म के उसमें इंक्लूड हो जाता है सो वंस इट वाज आइडेंटिफाइड तो उनके वो सारे ऑनर भी वापस लिए गए आ, उनको जो है वो डिमोट भी किया गया और उसके बाद उनको बहुत हैवी फाइन भी किया गया और उनका सारा कैरियर उनका फ़ेम और उनका जो गुड नेम था वो ख़त्म हो गया सो वंस इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड द पर्सन हैज़ टू गिव बैक ऑल टू हिम ऑन बेसिस ऑफ वर्क एक्चुअली प्लेजराइज बट ही क्लेम दैट वर्क इज बिंग डन बाई हिमसेल्फ और हर सेल्फ सो इट्स नीड टू बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग शायद प्लेजरिज्मी तो आइडेंटिफाई ना हो सके बट जब भी वो अनफेयर यूज रिवील होगा उसका नुकसान बहुत ज्यादा इंटेंस होगा और वो डैमेज जो है वो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा